हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 एपी। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा मेरे को, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, यानी कि जो 78 दे रखा आखिरी में मेरे को, ये बताना है कौन सी पोजिशन पे है। जैसे मान लो ये मेरा फर्स्ट पोजिशन पे है, ये सेकेंड पोजिशन पे, थर्ड पोजिशन पे, फोर्थ पोजिशन पे, ऐसे मेरा जो 78 है इसकी पोजीशन बताओ कौन से पोजीशन पे, यानी कि टर्म पे ये है। ठीक है, तो ये मालूम नहीं है, ये मैंने क्या मान लिया, ए एन मान लिया, इसकी पोजीशन मालूम नहीं है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें दो चीज़ों को फाइंड करना है, ए और डी। ए और डी निकलने के बाद में क्वेश्चन के निकलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ए, ए कौन होता है, जो मेरी फर्स्ट टर्म है। डी, डी होता है नेक्स्ट माइनस में प्रीवियस, यानी अगला माइनस में पिछला। 8 में से 3 क्या कितना आया, 5 आ गया, मेरा कौन हुआ डी। अब मेरे को ए एन की वैल्यू गिवन है, कितना है 78, बट ये मालूम नहीं इसकी पोजीशन कौन सी पोजीशन पे, ये 31 पोजीशन पे, 30 पोजीशन पे, या 15 पोजीशन पे, पोजीशन बतानी मेरे को इसके। ठीक है, तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी इक्वल टू 78। ए कितना दे रखा मेरे को, 3, एन तो मालूम नहीं, डी कितना है मेरा 5 इक्वल टू 78। ठीक है फ्रेंड, तो जो मेरा प्लस का 3 है मैं ट्रांसपोज करूँगा, इधर एक इसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचा एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक, 78 में से 3 का कितना है 75, ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय 5, डिवाइड किया मैंने, कितना आया 5 एकम 5, 2 5 5 25, ये आ गया मेरा 15। ठीक है, माइनस का 1 ट्रांसपोज होगा दूसरी तरफ जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर मेरा कितना आया 16। यानी कि जो ये ए एन दे रखा है ये मेरे 16वीं पोजीशन में बैठा है 78, यानी जो 16वीं पोजीशन वो कितने नंबर पे है 78 पे है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले मैं नोट कर देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो मेरी एक मैथमेटिकल सीरीज है एपी है, इसके अंदर बताओ टोटल कितने नंबर है। ठीक है, तो फ्रेंड पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, और ये इस सीरीज का सबसे आखिरी नंबर है। अब कौन सी पोजीशन है इसकी वो मालूम नहीं है, तो मैंने इसे क्या मान लिया, ए एन मान लिया। अब चाहे मान लो ये 50 पोजीशन पे होगा, तो मतलब लाइन के अंदर टोटल कितने होंगे, 50 नंबर होंगे। अगर आखिरी में इसकी पोजीशन निकल के आती है जैसे मान लो 100, तो ये पता लग जाएगा कि ये लाइन के अंदर टोटल 100 टर्म है। ठीक है, पता लग जाएगा टोटल 100 बंदे इस लाइन के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमें इसका पता लगाना है कि कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में पता लगाया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए और डी। तो ए कितना है 7, डी कौन होता है अगला माइनस में पिछला, माइनस क्या कितना है मेरा 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो मेरे को ए एन दे रखा है 205, इसकी पोजीशन पता लग जाती है कि कौन सी पोजीशन पे है, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि लाइन में टोटल कितनी टर्म है। ठीक है, तो ए एन बराबर 205, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी 205। ठीक है फ्रेंड, ए की वैल्यू 7, एन तो मालूम नहीं है, डी 6, 205 प्लस का 7 है, ट्रांसपोज करके इधर किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ कितना बचा एन माइनस 1 इंटू 6, प्लस का 7 ट्रांसपोज होकर इधर आ गया, माइनस किया कितना है 198। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में 6 है, ट्रांसपोज होकर इसमें आ जाएगा डिवाइड में, ये मेरा आ गया 33। ठीक है फ्रेंड, n माइनस 1 इक्वल टू 33, माइनस का 1 ट्रांसपोज हो गया उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, कितना है टोटल 34, यानी कि जो an दे रखा है मेरे को ये 34 पोजीशन पे है, ये जो नंबर है कौन सी पोजीशन पे, 34 पोजीशन पे, और लाइन का सबसे आखिरी मेंबर यही है, तो यानी कि टोटल लाइन में कितने जने हैं 34 हैं। तो टोटल टर्म कितनी होगी, टोटल टर्म हिंदी में लिखेंगे कुल पद, कितने होंगे
34 होंगे, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मेरा ये पांच नंबर क्वेश्चन नंबर पांच का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से दे रखा है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वो है 18, 15 वन बाय टू, ठीक 13, और ये लास्ट का मेंबर कौन है, माइनस का 47। तो ये तो हो गया फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ये कौन सी पोजीशन पे मालूम नहीं। तो हमें इसी की पोजीशन पता लगानी है कि कौन सी पोजीशन पे है, तब हमें पता लग जाएगा कि लाइन में टोटल कितने टर्म हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू 18, ठीक है। डी कितना होगा, नेक्स्ट माइनस में प्रीवियस, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 15 दूनी 30, 30 और 31 बटे 2 माइनस 18, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 18 36, 36 में से 31 गया, कितना बचेगा 5 बाय 2, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा माइनस होगा, बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का, तो ये मेरा आ गया डी। हमें दे रखा है ए एन माइनस का 47, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी बराबर माइनस का 47, ए की वैल्यू 18, एन तो निकालना है, डी कितना है माइनस का 5 बाय 2, ये जगह चल रहा माइनस का 47, प्लस का 18 ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक, दोनों टर्म माइनस के दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है, कितना हुआ 65, ये मेरा कितना आगे दोनों जुड़ गए माइनस का 65, अगर दोनों के साइन एक जैसे तो डिजिट जुड़ जाती हैं, ठीक है, यहाँ कोई निशान नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई, ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा नीचे, देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 में इसका डिवाइड कितना है 13, 13 दूनी 26, जो माइनस का एक है ट्रांसपोज आगे इधर किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का था इधर किसका हो गया प्लस का, एन बराबर मेरा कितना आ गया 27, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर यानी कि इस लाइन के अंदर टोटल कितनी टर्म होंगी, 27 टर्म होंगी टोटल टर्म, कुल पद 27, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मेरे को पता लग गया कि इस लाइन में टोटल कितने हैं, 27 है, इसकी आखिरी पोजीशन 27 है ना, तो लाइन में टोटल 27 टर्म है। और इसी के साथ फ्रेंड मेरा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।